नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। प्रदेश के युवाओं ने हर लाइन में सफलता हासिल की है। ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं रह गया है जहां प्रदेश के युवा सफल ना हुए हों। सेना से लेकर पुलिस फोर्स में शीर्ष पदों तक पहुंचने में उत्तराखंड के युवाओं का जवाब नहीं है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के नरेश मनकोटी ने भी पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। दरअसल नरेश मनकोटी सेंट्रल पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। इस मौके पर उनके दरोगा पिता और माता के साथ ही पूरे परिवार में खुशियों की बौछार आ गई है। बता दें कि नरेश मनकोटी गोविंद सिंह मनकोटी के पुत्र हैं। गोविंद सिंह मनकोटी वर्तमान में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। नरेश मनकोटी मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले हैं। उनका मूल निवास बागेश्वर स्थित अशोक गांव में है। नरेश मनकोटी की प्रारंभिक शिक्षा दर्पण चिल्ड्रन गार्डन हल्द्वानी से हुई है। इसके बाद उन्होंने नैनी वैली स्कूल काडूधाम से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है। इसके साथ ही नरेश मनकोटी ने रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह कॉलेज से उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है। बता दें कि नरेश का बचपन से ही देश सेवा करने का मन था। उनकी हमेशा से इंडियन आर्मी में सेवा देने की इच्छा थी। नरेश मनकोटी की इस उपलब्धि पर पूरे हल्द्वानी और उत्तराखंड को गर्व है। बेटे ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता ईश्वर और गुरुजनों को दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।